The question is, we have to integrate the function, which is 1 upon square root of 9 minus 25x square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंसेप्चुअल पार्ट को शेयर कर देता हूँ कि हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए किस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है विच इज dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ विच इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स, दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए, राइट नाउ तो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल केवल एक्स है और ये 25x² है। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा कि थोड़ा सा मैं इस फंक्शन को पहले मैनिपुलेट करूंगा। इसके लिए हम लोग क्या करें कि ये जो 25 है, आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर ले लीजिए। जैसे आप 25 को स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटीग्रल साइन के अंदर जो रूट के अंदर फंक्शन है वो आपको नजर आएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर की। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 1/5, 1/5 इंटीग्रल dx ओवर, और इसको आप लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 टोटल रेस टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू आपके पास 3/5 है, और साथ में वेरिएबल आपके पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर तो नजर आ ही रहा होगा। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा 1/5, ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, एंड नाउ इट इज साइन इनवर्स, दैट इज एक्स अपॉन ए। तो ये न्यूमरेटर में एक्स है और ए की वैल्यू आपके पास है 3/5, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 5, दैट इज एक्चुअली एक्स इंटू 5 प्लस कॉन्स्टेंट। और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप सिंप्लीफाई करके इसे लिख सकते हैं 1/5, दैट इज साइन इनवर्स, जैसे मैंने कहा कि ये एक्स इंटू 5 है जिसको आप लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिविन प्रॉब्लम।